मेरे कमरे का क्या भया कि यहाँ खून थूका गया है शरारत में। ये शेर पाकिस्तान के उस बदनाम शायर का है जिसे खून थूकने का शौक था। बदनाम शायर, इस पंक्ति में बदनाम शब्द का इस्तेमाल मैंने बहुत सोच समझ कर किया है, क्योंकि वो शायर शायरी की उस बंदिशों को तोड़कर अपना दर्द दुनिया के सामने दिखाता था। वो शायर आज भी सोशल मीडिया के उन गलियों में कहीं घूम फिर रहा है और अपना दर्द दुनिया से बांट रहा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के शायर जनाब जॉन एलिया की। यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का, यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का, वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। जिस शेर से मैंने शुरुआत की है उस शेर से जुड़ा किस्सा मैं आपको सुनाऊं, उससे पहले थोड़ा जॉन को जान लेते हैं। जॉन 14 दिसंबर 1931 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जन्मे और 8 नवंबर 2002 को कराची में उनका इंतकाल हुआ। आज़ादी के कुछ साल बाद ही वह पाकिस्तान चले गए और ज़िंदगी भर वहाँ रहकर ही शायरी की। जॉन हिंदुस्तान से भले ही चले गए लेकिन उनका दिल हमेशा हिंदुस्तान में ही रहा और पाकिस्तान जाकर उन्होंने लिखा कि हम तो जैसे यहाँ के थे ही नहीं, धूप के थे, सायबा के थे ही नहीं। जॉन के वीडियो जब आप यूट्यूब पर कभी देखेंगे तो आपको वो दीवानगी, वो पागलपन, वो अल्हड़पन दिखेगा जो उन्हें दूसरे शायरों से अलहदा करता है। शायद यही चीज़ जॉन को और लोगों से अलग करती है और युवाओं को ये काफ़ी पसंद आता है। जॉन का स्टेज पर सिगरेटों के धुएं उड़ाते हुए शेर पढ़ देना सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होता है। किसी लिबास की खुशबू जब उड़ के आती है तेरे बदन की जुदाई बहुत क्या कहने जान भाई। जॉन मशहूर बॉलीवुड निर्देशक कमाल अमरोही के छोटे भाई थे और उनके पिता भी शायर थे। यही कारण रहा कि उन्हें अंग्रेजी, फारसी, उर्दू इन सभी भाषाओं का ज्ञान था। काफ़ी छोटी उम्र में उन्होंने अपना पहला शेर भी लिख दिया था और बाद में पाकिस्तान में कई कमेटियों में वो शामिल भी रहे। उन्होंने शायद गुमान और यानी जैसी बहुत किताबें भी लिखी। उनके जीवन पर भी कुछ किताबें लिखी गई जो आजकल युवाओं में जिनका काफ़ी क्रेज़ भी है। अब उस शेर पर आते हैं जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। उस शेर से जुड़ा जो किस्सा है उसके बारे में आपको बताएं, उसके लिए भी हमें आपको एक शेर बताना पड़ेगा कि रंग हर रंग में है दाद तलब, खून थूकूं तो वाह वाह कीजिए। दरअसल जॉन की शायरी से कई लोगों को इश्क हुआ लेकिन एक मोहतरमा ऐसी थी जो जॉन को दिल दे बैठी। वो जॉन को लगातार खत लिखा करती थी, उन्हें टीबी थी और उनके मुंह से कभी कभी खून भी निकलता था। अब मोहतरमा को तो जॉन से इश्क हो गया लेकिन जॉन को कभी उनसे इश्क नहीं हुआ, लेकिन वो इस चीज़ का दिखावा करते रहे। जब मोहतरमा का निधन हुआ तो जॉन को बड़ा दुख हुआ और बाद में जॉन को भी टीबी हो गई। जॉन ने लिखा कि शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई लेकिन यकीन सभी को दिलाता रहूं मैं। जॉन आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनकी आवाज़ आज भी गूंजती है। ये ज़माना भले ही उनको पागल कहता हो लेकिन जॉन ने अपने लिए भी एक शेर लिखा था। वो शेर था कि मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिए। शुक्रिया।